जेनरिक वन कैलकुलस, और मैंने बताया बुक्स जो आपको होगी, फर्स्ट हमारी बुक है एंटन, सेकंड रेफरेंस बुक जो है वो है स्ट्रॉस। थोड़ा सा चीज़ों को कुछ रिकॉल करना पड़ेगा है ना, जो हमने एक्चुअली में इंटर में करके आए। देखो जो कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ द रियल एनालिसिस, अगर आपने सुना हो, ये एक एक्चुअली रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। रियल एनालिसिस की जब बात आती है या कैलकुलस की बात आती है, ये द कैलकुलस इज डिपेंड ऑन द सेट एंड फंक्शन। मेजर जो इसके कंपोनेंट वो है सेट एंड फंक्शन। तो सिंपली अगर आप सेट के बारे में पढ़ते हो, देखो एक्चुअली मैं ये रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू रीड द डेफिनेशन, मतलब कैसे हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। ठीक, अब याद नहीं करना है, हमें समझना है। या कुछ लोग ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक ही बात है, क्योंकि जब आप सेट कंसीडर करते हो सो अब वहाँ पे एक पॉइंट होता है, या सेट की सेट का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि भाई इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे वो डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो आप देखो यहाँ पे जो सेट है, सेट की डेफिनेशन में कहा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स भी है, तीन टर्म चलो मैं ये यूज कर रहा हूँ, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है एंड ऑब्जेक्ट्स है। देखो जो एक्चुअली जो डेफिनेशन होती है बहुत एक एक जो वर्ड्स होता है बहुत कुछ कहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास है कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट। अब आप कलेक्शन से क्या समझते हो, है ना? कलेक्शन जब आप किसी बहुत सारे थिंग्स को या पर्टिकुलर किसी भी थिंग्स को या किसी चीज को आप कलेक्ट करते हो, एक जगह पे स्टोर करते हो उसको। नाउ ऑब्जेक्ट, वी नो द ऑब्जेक्ट्स, चीजें वो क्या क्या हो सकती है। नाउ टर्म, थर्ड टर्म है हमारा वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड से आप क्या समझते हो, वेल डिफाइंड मीन्स होता है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, और इट मीन्स वेल डिफाइंड का मतलब आप क्या हुआ, यूनिवर्सली अगर ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सली ट्रू है, इट मीन्स अगर मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, तो ये अगर मेरा कोई सेट है तो इसके अंदर जो आने वाले ऑब्जेक्ट्स है या इसके बाहर जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स और इसके बाहर रहने वाले जो ऑब्जेक्ट्स में है, उस पर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स नहीं होगी जब वेल डिफाइंड है तो, यानी कोई भी हम किसी एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन एंड नो एनी एम्बिग्यूटी फॉर सेलेक्टिंग द एलिमेंट, वेदर द एलिमेंट इज इनसाइड द सेट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है सेट ऑफ वोवेल्स। अब देखो, अब मैंने ये सेट बना लिया, सपोज वी, सेट ऑफ वोवेल्स का। अब मेरे पास अल्फाबेट से टोटल ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड तक। सो मैंने क्या किया, अब वो उसी अल्फाबेट से मैंने अल्फाबेट लेने चूज किया। जब ए आया तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, लेकिन जब बी आया तो मैं बी इसके अंदर नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें पता चल गया है भाई ए बी जो भी आप एलिमेंट लोगे वो सेट ऑफ वोवेल में कौन से एलिमेंट आते हैं और कौन से नहीं आते। तो इनको चूज करने के लिए हमारे पास कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, ना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट टर्म भाई यस और नो में जवाब हो रहा है यहाँ पे, यस हाँ या ना, इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, क्लियर? तो जब आपको पता चल गया ए इसके अंदर आएगा बी नहीं आएगा एंड सो ऑन, आपने ई आई ओ यू एफ ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो ये सेट में जो एलिमेंट आए ऑफकोर्स यही आएंगे, जो बाकी रेस्ट होंगे वो इसके बाहर होंगे, इसमें नहीं आएंगे, ये आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है वेल डिफाइंड क्या होता है। अब देखो
जब आप सेट पढ़ते हो, अभी वेल डिफाइंड में ही है हम, ठीक है। वेल डिफाइंड को ध्यान से देखना, इसके मतलब इसके देखो वेल डिफाइंड से क्या आप निकाल सकते हो। अब आपने जैसे सेट पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ते हो सबसेट, ठीक है। सबसेट सपोज एस मेरा सेट है, और इसके एलिमेंट का कोई कलेक्शन आप बनाते हो, सो इट विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट एस। सपोज मैं ए इज द सबसेट ऑफ एस लिख रहा हूं, ये ऐसे सबसेट लिखने का तरीका है ना, या प्रॉपर इम्प्रॉपर कहते हैं, कुछ लोग डिनोटेशन में ऐसे भी करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ एस, है ना, ए इज सबसेट ऑफ एस। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर नाम देते हैं, यहाँ पे इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्चुअली इंटरमीडिएट वाला नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जनरली अगर सबसेट में लिख रहा हूँ तो जस्ट इससे डिनोट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट मैं सबसेट के लिए ये नोटेशन मैंने यूज किया, तो ए इज द सबसेट ऑफ एस, ठीक। तो ए इज द सबसेट ऑफ एस मैंने कह दिया, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं कोई ए है वी का सबसेट बना रहा हूं, तो ए क्या क्या हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है ना, नल सेट हो सकता है, भाई कोई भी एलिमेंट ना हो। ए क्या हो सकता है, वी भी हो सकता है, ये उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और ए में सिंगल एलिमेंट वाले भी हो सकते हैं, डबल एलिमेंट वाले भी हो सकते हैं, इस तरीके से हम आप सेट बना सकते हो, इसके सबसेट्स बना सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, भाई इसके आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, टोटल कितने सबसेट्स आप इसके बना सकते हो इस वी के। देखो एक्चुअली में ये तो हमने जो फार्मूला है, एक्चुअली 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमने याद किया है ना, नंबर ऑफ सबसेट या कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, ये आप करते थे। डेफिनेशन को कैसे पढ़ते हो और वहां से कैसे रिजल्ट्स आप निकालते हो। अब देखना वी में एलिमेंट ए ई आई ओ यू, अब मुझे कहा, मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट इसके काउंट करने थे मुझे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस वी। अब आपने किया कहा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज 5। अब देखो सपोज मुझे भाई यहाँ पे एक्चुअली हम कुछ प्रूफ भी करेंगे, एक्चुअली एलिमेंट आप क्या होता है, जब इंटर में आप होते हो, इंटर में आप होते हो तो आप पीस भागते हो वाट के पीछे, है ना, वाट भाई इसका आंसर क्या होगा, आपको फार्मूला मिला लगा दिया और आंसर मिल गया। नेक्स्ट आप +2 के बाद जब ग्रेजुएशन में आते हो, आप देखते हो वहां पे, आप करते हो हाउ, मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अभी हम जो काम करेंगे हाउ के ऊपर होगा, जब केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, जितना भी जो भी पढ़ोगे, तो आप हाउ ये कैसे हो रहा है इस पे फोकस होंगे आप, है ना। नेक्स्ट जब आप ये कंप्लीट कर दोगे ग्रेजुएशन लेवल, तो अगर आप एमएससी हायर एजुकेशन के लिए एमएससी अगर ज्वाइन करोगे तो उसमें देखोगे आप इसके पीछे काम करोगे, वाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो यहीं से फिर आपका रिसर्च लेवल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीजें है। हम आज व्हाट तो करके आए, अभी हम हाउ पे, तो अब मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो वेल डिफाइंड, वी नो द टर्म वेल डिफाइंड ऑफ द सेट, अब सेट में वेल डिफाइंड वाला टर्म आ रहा है। अब मैंने क्या कहा, भाई ये जो वी है एक सेट है, सो मुझे इसका सबसेट कंस्ट्रक्ट करने है। तो मुझे अगर सबसेट कंस्ट्रक्ट करने है तो यही एलिमेंट मैं यूज कर सकता हूँ, क्लियर। तो अगर मैंने सपोज वी का कोई सबसेट लिया एस, ये सबसेट है, दिस इज द सबसेट ऑफ वी, और मैंने ये बना लिया एस। अब देखो एस में क्या होगा, जो ए है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में देख रहा हूं, ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट एस के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्लियर है। सबसेट बना रहा हूं तो ऑफकोर्स सबसेट में आप एलिमेंट ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो ये जो ए है, ए हैज टू चॉइस, ए हैज टू चॉइस। सिमिलरली
ई जो है इस सबसेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. सो ई हैज टू चॉइस. सिमिलरली आई ओ यू, ईच हैज टू चॉइसेस भाई, क्योंकि वो सबसेट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. एंड ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2, विच इज 2^5. सिंपल लॉजिक है ये कि हम हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, आप कैसे काउंट करते हो. सिंपली ये जो आपने फार्मूला बनाया है, ओनली ये जो वेल डिफाइंड वर्ड्स है इसके हेल्प से किया है. देखो कितना इंफॉर्मेटिव है ये, देखो जरा. देन अब सिमिलरली अगर आप पावर सेट बनाते हो तो उसमें आपको पता है नंबर ऑफ ऑल सबसेट आप लेते हो, देयरफॉर कार्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट जो होगी वही यही होगी, कार्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ वी. पावर सेट ऑफ वी विल बी कार्डिनेलिटी. कार्डिनेलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. देन आपने किया होगा रिलेशन. ठीक है, रिलेशन आपके डिफाइन करते हो ए टू बी में. इट इज रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सिंपली अगर कोई रिलेशन पूछता है, रिलेशन क्या होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. इसको कहते हैं पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर. ये है ऑर्डर्ड पेयर, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये आप कर चुके हो. तो ये होता है रिलेशन. देन रिलेशन के बाद आता है फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. सो आपके पास देखो सेट है, सपोज वी हैव अ टू सेट ए एंड बी, एंड अगर मैं मेरे पास कोई सेट है तो इसके अफकोर्स एलिमेंट है सम, सपोज, है ना. या मैं ये कहूं दिस इज फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन बट फॉलो द सम सर्टेन रूल, और वो रूल क्या होता है, रूल, दिस रूल इज असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू बी, सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. सो जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. तो एवरी बोल दिया तो यहां पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं मैप हो रहे होंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं मैप हो रहे होंगे बी के एलिमेंट के साथ. अब यूनिक जो टर्म आता है, यूनिक का मतलब ये हुआ कि अगर आप x1 = x2 ले रहे हो, यहां पे x1 = x2 ले रहे हो, तो ये फुलफिल करता है f(x1) = f(x2) को. ये होता है यूनिकनेस. ठीक, तो एक्चुअली जैसे यूनिकनेस है, अब यहां पे भी आप काउंटिंग कर सकते हो, है ना. जैसे मैंने कहा सेट ए में एलिमेंट है 3 और सेट बी में है एलिमेंट है 2. नाउ हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कितने नंबर ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे यहां पे जो ए टू बी में आप डिफाइन कर सकते हो. तो एक्चुअली ये लॉजिक भी आता है इसी की डेफिनेशन से. जैसे 3 एलिमेंट है ए में और बी में है 2 एलिमेंट, सपोज मैं 1 2 3 ले रहा हूँ और ये ए बी ले रहा हूँ. सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक और इसकी डेफिनेशन. अब वो क्या कहता है भाई, ए जो है, ए के एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो सारे एलिमेंट को कहीं ना कहीं असाइन होने ही होने हैं. तो 1 जो है ए पे जा सकता है या बी पे जा सकता है, क्लियर. या तो और 2 जो है ऑफकोर्स बी पे जा सकता है या ए पे जा सकता है, 3 जो है ए पे जा सकता है या बी पे जा सकता है. तो 1 जो है ए या बी में जा सकता है, 2 चॉइस हो गई. 2 जो है ए या बी में जा सकता है, इसकी 2 हो गई. और ऑफकोर्स 3 जो है ए या बी में जा सकते हैं, इसके नंबर ऑफ चॉइसेस 2 हो गए.
डेफिनेशन ये कहता है कि सारे एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं असाइन होने ही चाहिए, तो टू ये एंड ये कहीं ना कहीं असाइन होंगे ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 2 × 2 × 2, ठीक है, क्योंकि ये एंड ये एंड ये इन, क्योंकि वी नो द जो भी एलिमेंट होते हैं ए में वो सभी कहीं ना कहीं असाइन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे वो 2^3। तो देखो एक्चुअली अगर आपके पास डेफिनेशन हो तो देखो आप डेफिनेशन थ्योरी से कैसे आप स्विच करते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन होंगे यहाँ पे 8 होंगे, तो बाद में फिर इसी को अगर कार्डिनलिटी ए एन ए, कार्डिनलिटी बी अगर एम ए, तो वो जो होता है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी m^n, ठीक है। तो ये देखो एक यहीं से एक्चुअली डेफिनेशन से ये बनते, और हमें बस यही अभी तक पढ़ाया जाता है भाई ये फार्मूला है रख लो, ये नहीं बताया जाता कि ये कैसे आ रहा है। चलो ये चीजें थी बस बेसिक, ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस से बाहर है, ये नहीं है सिलेबस में, ये ध्यान रहे। अब हम आते सिलेबस की तरफ, है ना, सिंपल एक और चीज है, जैसे फंक्शन आपने पढ़ा, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फंक्शन हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, एक एक दो फंक्शन लिख लेता हूं मैं। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन जब आता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ए एन x^n एंड सो ऑन। देखो ये और भी आगे हो सकते हैं, तो इसमें फिर यहाँ पे क्या होगा कि डिग्री जो होगी उसकी डिफाइंड नहीं होगी पॉलिनोमियल की, अगर ये एन तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और ए एन इज नॉन जीरो कर देंगे तो डिग्री एन का पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो अब मैंने क्या किया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं सपोज ए नॉट लिख रहा हूं, ओनली फर्स्ट वाला टर्म, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर मैं ये कर रहा हूं यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ए वन की जगह मैंने कर दिया वन और बाकी ए जीरो ए टू एंड सो ऑन सबको जीरो कर दिया, तब भी ये पॉलिनोमियल ही है, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर एफ एक्स जो है मेरा साइन एक्स है ना, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम एक्चुअली में इसके बाद स्विच करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, लिमिट एंड डिफरेंशिबिलिटी, ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूटी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट जो है डिस्क्राइब है यहाँ पे किया गया है मल्टी मल्टी वैल्यूड के लिए, यानी वेक्टर वैल्यूड के लिए, बट हम एक सिंगल रियल वैल्यूड के लिए भी हम देखेंगे, उसके बाद फिर वो आसान हो जाएगा वहाँ पे। तो एक्चुअली में जब आप ये बात करते हो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर सपोज आप इनका डोमेन अगर आप देखना चाहो ये कहाँ पे डिफाइंड है ना, तो कहाँ पे डिफाइंड है वो आप देखना चाहो कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, सो आप देख सकते हो इसकी डोमेन क्या है, यानी फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन देखो एक पर्टिकुलर आपको इंटरवल भी गिवन हो सकता है, या पूरा अगर नहीं गिवन है इट मीन्स द हो सकता है वो पूरा थ्रू आउट द रियल लाइन हो, अगर वो भी नहीं है हो सकता है वो एक स्पेसिफिक जिसमें ये डिफाइंड है वो हो रहा हो। सपोज अगर आप ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन जो कह रहे हो, तो अगर इनकी आप अगर डोमेन देखो आप, इनका जो डोमेन है पूरा रियल नंबर सिस्टम हो जाएगा आर, ऑफकोर्स एक्सपोनेंशियल का भी आर हो जाएगा, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन जब आप यूज करोगे तो ओपन 0, ∞, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जीरो पे भी डिफाइन नहीं होता है ऑफकोर्स, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया ओपन करके। सिमिलरली
सिमिलरली साइन कॉस तो होंगे डिफाइंड, साइन कॉस तो होंगे डिफाइंड थ्रू आउट आर पे, ठीक आर पे, लेकिन टेन आते ही दिक्कत करेगा। साइन कॉस तो पूरे आर में होंगे थ्रू आउट, जैसे टेन एक्स आएगा, टेन एक्स इज द साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स जीरो कहाँ पे होता है, 90 पे, है ना, यानी 2n+1 पाई बाई 2 पे, तो वो नंबर हमें हटाने पड़ेंगे तभी वो वहां पे उसका डोमेन निकलेगा, ठीक। और अगर आपने टेन का अगर ग्राफ भी देखा हो तो पाई बाई 2 पे वो ऐसे बनता है, कैसा होता है ये, ऐसे ना, पाई बाई 2 पे वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि डिनोमिनेटर वो जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उनके डोमेन हम लिखते हैं। खैर ये डोमेन ओमेन अभी हमें नहीं चाहिए, जस्ट हमें अब स्विच कर रहे हैं हम आगे लिमिट पे।